हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन एंड आई एम फ्रॉम करियर ग्रोथ। और आज मैं बात करूंगा उन फैक्टर्स के बारे में जो कि एक स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए MBBS एंड अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमने डिसीजन ले लिया है कि MBBS अब्रॉड में हमें जाना है, तो अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी कंट्री को कैसे चूज़ करें, उन फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स हमको ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर विच कंट्री इज़ बेस्ट, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। और काफ़ी बच्चे हमको हमेशा से पूछते आए हैं कि सर हम कन्फ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री में जाएँ, कैसे जाएँ, मतलब कैसे चूज़ करें कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेटर है। तो उन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज के डेट में MBBS अब्रॉड करने के लिए नियर अबाउट 10 to 15 कंट्रीज़ हैं मेजर वंस जहाँ पे MBBS के लिए हो रही है, MBBS के लिए जो अप्लाई करते हैं बच्चे। और अगर देखा जाए तो नियर अबाउट MCI की वेबसाइट पे ही देखा जाए तो मोर देन 500 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MCI ने भी अप्रूव करी हुई हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कौन सी चूज़ करें, कौन सी हमारे करियर के लिए बेस्ट हो सकती है और कौन से हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकती है, ये बहुत बच्चे कंसर्न उठाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑन अ ब्रॉड लेवल अगर मैं आपको बताऊं, तो जो यूनिवर्सिटी MCI ने अप्रूव करी है और जिस यूनिवर्सिटी को यूनाइटेड WHO भी अप्रूव करता है, बिकॉज अगर कोई यूनिवर्सिटी को MCI अप्रूव करती है तो वो WHO को अप्रूव करना ही पड़ेगा, तभी MCI उसको अप्रूव कर सकता है। और दूसरी चीज़, जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी अप्रूव वो होगी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रशिया की कोई यूनिवर्सिटी, रशियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगा पहले, उसके बाद उसको WHO अप्रूव करेगा, और उसके बाद इंडिया का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करेगा। तो बेसिकली अगर कोई MCI की लिस्ट में है तो वो बेसिकली दो अप्रूवल से ऑलरेडी गुजर चुकी है यूनिवर्सिटीज़। तो ऑन अ ब्रॉड लेवल, ऑन अ बेसिक लेवल, जो कोर्स स्ट्रक्चर उसका होगा, फैकल्टीज़ जो होंगी उसकी, और जो उसके अंदर फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, वो ऑन अ ब्रॉड लेवल मोर और लेस सिमिलर होंगी, ठीक है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत पॉपुलर होती हैं और किसी किसी की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। अगर आप देखा जाए MBBS की बात करें अगर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख पूरा पैकेज स्टार्ट हो जाता है, और अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में 40 लाख तक जाता है, और देखा कुछ कुछ कंट्रीज़ में 60 लाख तक भी ये पैकेज आता है। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, तो यहाँ पे तो करोड़ों में भी ये पैकेजेस जाते हैं, मतलब 1.5 करोड़ से तो स्टार्ट होता है। तो इट मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऑन अ बेसिक लेवल दीज यूनिवर्सिटीज़ में बी गुड, ठीक है, और ऑल में बी ऑन अ बेसिक लेवल सेम। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, पर हर कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ए ग्रेड में आती हैं, जिसको भी अगर आप पुरानी वीडियोस में देखी होंगी तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का जैसे मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ, जो टॉप टीयर में आती हैं बेसिकली। तो उन यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट भी हाई होती है, और ऑब्वियसली उनमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ का भी डिफरेंस होता है। वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में अगर आपका एम्स में एडमिशन हो जाता है तो आपका बहुत ही आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत स्टूडियस बच्चे मिलेंगे, बहुत सिंसियर बच्चे मिलेंगे। तो इस चीज़ का, अब सिंसियर बच्चों के साथ आप 5 ईयर्स रहते हो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन्वायरमेंट का, तो अनडाउटेडली वो चीज़ तो है। बट हैविंग सेड दैट, बजट इज़ ऑल्सो अ बिग कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर देखा जाए तो अगर आपका बजट एक्सीड नहीं करता है ज़्यादा, तो यू कैन नॉट गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ जो 30-40 लाख 50 लाख जिनका ओवरऑल 5 ईयर्स का बजट रहता है। और अगर इतना ही आपको स्पेंड करना, तो कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम इंडिया में ही एडमिशन ले लेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। बट बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसमें बजट मोर और लेस सेम रहता है, ठीक है। और आपको जो यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा जो मिलेगा, या फिर जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सस्ती बहुत बिल्कुल सस्ता पैकेज रहता है, 15 लाख में MBBS हो जाती है, 15 से 18 लाख से स्टार्ट कर सकते हो आप MBBS। बट उन कंट्रीज़ की, उन यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं,
तो काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए भी हैं और लेकिन हमेशा नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिले हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिनका जिनका जो बजट होता है ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, 22 to 25 के बीच में होता है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यू बहुत बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर ऐसे ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ और ऑब्वियसली अगर आप हमको अप्रोच करते हैं तो हम आपको बताते भी हैं। बट ये एक बजट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है वाइल चूजिंग अ यूनिवर्सिटी। तो अगर आप थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज करके किसी बेटर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं ऑलवेज। तो कमिंग बैक टू द फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर वाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी, लाइक मैंने एक बजट बताया आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा आई थिंक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि मैं बोलूँगा, दैट इज़ लैंग्वेज फॉर स्टडीज़। तो फॉर एग्जांपल जैसे 15 to 18 lakh वाली यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई, कुछ रशिया की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑब्वियसली थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, कुछ किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। बट बजट जहाँ पे लैंग्वेज और स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ पे 100% इंग्लिश नहीं मिलता आपको। तो जहाँ पे 100% इंग्लिश है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो एक स्टूडेंट हमेशा चूज़ करता है कि हमें तो 100% इंग्लिश में पूरा कोर्स करना है। तो वो चीज़ सबसे मेजर फैक्टर रहता है अदर देन बजट। और ऑल्सो ड्यूरेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ रशिया में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और किर्गिस्तान में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इवन यूक्रेन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 years में कराती हैं। इवन जॉर्जिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 years की MBBS है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे 5 years में भी MBBS कराने के लिए क्लेम करती हैं। बट आई डोंट नो कि वो कितना सिंसियर है वो, क्योंकि स्टूडेंट्स को 6 years लग ही जाते हैं जॉर्जिया में भी अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करने में। बट हैविंग सेड दैट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि एक्चुअल में 5 years में आपको आपसे MBBS पूरी कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस, चाइना जो है, इन दोनों जगह ही 5 years में कंप्लीट हो जाती हैं। कोर्स ड्यूरेशन ही 5 years का है। जैसे फिलीपींस में 1 year MD का होता है जिसको जो अभी इंक्रीज़ होकर 2 years होने वाला है, और बाकी फोर ईयर्स उसकी MD होती है। चाइना में 5 years की ही आपकी MBBS है, तो उसके बाद आप इंडिया आके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो और साथ साथ MCA की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सब, ये तीन तो मेजर फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे हमसे ये भी डिस्कस करते हैं कि सर अगर हम कौन सी सिटी में जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ कि लेटर से जॉर्जिया की बात ही कर लें, तो जॉर्जिया में टबलिसी इज़ द मेन कैपिटल एंड वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट टबलिसी को छोड़ के काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो दूसरे टाउन्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल बाटूमी में है या फिर किसी और कटौसी में एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाइना की बात करें तो ऑफकोर्स चाइना में बीजिंग और शंघाई में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बीजिंग और शंघाई से दूसरे शहरों में है। जैसे श्यामन में कुछ एक यूनिवर्सिटी है और अनहुई प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी है जो कि थोड़ा सा दूर पड़ता है। बट दोस्तों मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप 5 साल के लिए वहाँ से जा रहे हैं तो इट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि अगर आप ये सोचें कि मुझे, क्योंकि 5 साल में आप एक बार फ़्लाइट लेते हो शायद इंडिया की। कुछ बच्चे तो वो भी नहीं लेते, कुछ बच्चों में 5 साल में सिर्फ 3 बार इंडिया आते हैं, 4 बार इंडिया आते हैं, हर साल तो आते भी नहीं है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि इट डजंट रियली मैटर कि अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी सिटी में पढ़ रहे हो, कि कैपिटल सिटी में ही पढ़ रहे हो या उसके बाहर पढ़ रहे हो। वो डिपेंड्स मोर कि वो जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और जो अदर फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, बजट फैक्टर, लैंग्वेज फैक्टर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। दूसरी चीज़, आई थिंक सेफ्टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न जो कि पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज़ अ गर्ल चाइल्ड जो कि डिसीजन ले रही है MBBS करने का, तो सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम करियर ग्रोथ में हम जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में हम देख कर आते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फिलीपींस में हम जिस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में एक फुल टाइम नर्स अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनके अकोमोडेशन में, जिसको कि वो सिस्टर बोलते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों सिक्योर फील करते हैं। इनफैक्ट वी एज अ एजेंट या कंसल्टेंट भी हम थोड़े से सिक्योर फील करते हैं किसी भी स्टूडेंट को वो सजेस्ट करने में।
All right, moving on to further factor, I think temperature is for some students or some parents, it is a factor that needs to be considered. Meri khayal se thoda sa secondary factor aa jata hai, because although jahan pe bhi humne tie up kiya hai, jis bhi university se hum jude hue hain, jis bhi countries mein hum jude hue hain, humne factor ko, humne temperature factor ko bhi consider kiya hai, aur bahut zyada thand ya bahut zyada garmi के वाली यूनिवर्सिटीज़ हम प्रेफर नहीं करते हैं. और बट हैविंग सेड दैट, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा बिग कंसर्न भी नहीं है. जो भी स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं हमारे एक्सपीरियंस में, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं एज फार एज टेम्परेचर इज़ कंसर्न. इंडियन फूड एक आई थिंक एक बड़ा फैक्टर रहता है, बिकॉज एक स्टूडेंट जो कि MBBS पढ़ने जाता है, 18 साल के आसपास का बच्चा होता है, और उसको अपनी लाइफ के जो यंग ईयर्स होते हैं वो वहाँ पे बिताने होते हैं. तो खाना, अगर खाना वहाँ पे ठीक से नहीं मिलता तो बच्चे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके लिए. तो जहाँ पे भी हम करियर ग्रोथ में जिन भी यूनिवर्सिटी से हम जुड़े हुए हैं, उनकी या तो अपनी कैंटीन या फिर उनका कहीं से टाई अप होता है जो कि इंडियन फूड वहाँ पे दे रहे हैं. और जहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी वी मेक श्योर कि वहाँ पे इंडियन मेस हो, तभी वो बच्चा वहाँ पर जाए. और वी ऑल्सो मेक श्योर कि वहाँ का इंडियन मेस का खाना पर्सनली मैंने या फिर हमारे करियर ग्रोथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने खाया हुआ हो, खुद खाया हुआ हो, तब तक हम यूनिवर्सिटी को अपने साथ जोड़ते नहीं हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स थे दोस्तों जो कि हम कंसिडर करते हैं वाइल चूजिंग फॉर MBBS अब्रॉड. इसके अलावा कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के में कमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव गिविंग अस. एंड आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमसे पूछते रहिए चीज़ें, हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बताते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइज.